हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। देयर इज नो रीजन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स टू नॉट विजिट पाकिस्तान, ये कहना है हमारे कप्तान सरफराज अहमद का। और क्यों ना कहना हो, बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज मुकम्मल की है। ना सिर्फ मैचेस जीतने के हवाले से बल्कि जितना पीसफुली कराची में मैचेस हुए पूरी दुनिया ने देखा कि हम एक सेफ सिटी हैं, एक सेफ मुल्क है पाकिस्तान। और दो प्रीमियर वेन्यूज बन चुके हैं पाकिस्तान के, लाहौर और कराची, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट की हमने वापसी देखी है। और उम्मीद ये है कि पूरे पाकिस्तान के सारे ग्राउंड्स में इंशाल्लाह क्रिकेट वापस आएगी। किस तरह पाकिस्तान ये सीरीज जीता वेस्ट इंडीज से, किस तरह के मैचेस रहे, वो हम एक पैकेज में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के सुपरस्टार, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेटकीपर बैट्समैन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मोइन खान साहब को वेलकम करेंगे। मोइन भाई, शुक्रिया शो पे होने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत सही? अल्हम्दुलिल्लाह। द क्राउड रिस्पॉन्स इन कराची एंड इन लाहौर, हमने देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई दोनों वेन्यूज में, लेकिन दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले मोइन भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे, सरफराज का इस तरह स्टेटमेंट देना, आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको शुगर कोट करना चाहिए, इसको बहाना नहीं बोलना चाहिए, इसको इस तरह बोलना चाहिए कि दे हैव नो रीजंस टू नॉट कम टू पाकिस्तान, बहाना थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड नहीं है? नॉट रियली, आई थिंक, देखें, आप एक स्पोर्ट्समैन से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो बड़ा नाप तोल के बोलेगा। वो क्रिकेटर है, उसकी फोकस क्रिकेट होती है। सही है, उनका कहने का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जो मुझे नज़र आ रहा है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि लोग पहले सिक्योरिटी का वाकई बहाना था। सही, और पिछले दो साल में जितनी पीसीबी ने इस चीज़ के ऊपर मेहनत की है, हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान, जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट लाइक सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, आई थिंक सब ने ओनरशिप ली है इस चीज़ की। नो डाउट, कोई भी नेगेटिव एंगल एज अ पाकिस्तानी नहीं पेश करना चाहिए, इनफैक्ट मीडिया के अंदर, जिससे किसी भी नेशन की दिल आजारी हो और वो दैट इज ट्रू सोचे आने के लिए कि मैं हम ना आए मुल्क में। यू नो, आई थिंक वाकई सालों के अंदर पीएसएल फाइनल्स हो गए, बड़े मैचेस हो गए, और क्या चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए हम लोगों को। आई थिंक कि अब वाकई थैंकफुल टू क्रिकेटर्स फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बिकॉज़ हमने देखा वर्ल्ड 11 के प्लेयर्स आए, जिम्बाब्वे खेल के गई है, श्रीलंका खेल के गई है, एंड श्रीलंका इज द वन जिनके साथ हादसा पेश हुआ था, यू नो, और उन्होंने शुरुआत की आने की दोबारा। आई थिंक हमें थैंकफुल होना चाहिए इन तमाम नेशंस का, और कोई नेगेटिव एंगल ऐसा नहीं क्रिएट करना चाहिए मीडिया के अंदर कि जिससे दिल आजारी हो इन लोगों की, जो आए उनको हमें प्रेस करना चाहिए। आई थिंक कि वी शुड बी थैंकफुल कि वो आए और उन्होंने दौरा किया। व्यूअर्स, आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे लाइव कॉल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप कॉल करके मोइन खान साहब से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द शो एज वेल। मोइन भाई, एक और एस्पेक्ट ये है कि पूरी सीरीज के दरमियान के दौरान, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि वी शुड नॉट से एनीथिंग नेगेटिव, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आई है, हमारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, सारे इशूज बर्दाश्त किए, लाख प्लस आवाम गई है 3 दिनों में, विच इज़ अ गुड साइन। पूरी सीरीज में ये बातें होती रही हैं, प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से वीक हैं, सरफराज ने बार बार कहा कि यार ये कह के हमारी टीम की परफॉर्मेंस को आप अंडरमाइन ना करें, सो डू यू थिंक ही इज राइट टू से इट एंड वी शुड से कि यस, यू हैव परफॉर्म वेल और आपने 3-0 सीरीज जीती? ऑफ कोर्स, आई थिंक वी आर नंबर वन टीम, हाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन दैट। आई थिंक जो बेस्ट टीम होती है वो ऐसे ही और अपने होम सीरीज में होम एडवांटेज है आपको, अपनी सॉइल पे खेल रहे, इतने अरसे के बाद खेल रहे, नेचुरली एक जज्बा था, 9 साल के बाद क्रिकेट रिवाइव हुई है कराची के अंदर, एक कोई बड़ा मैच हुआ हमारे मुल्क के अंदर, यू नो, तो प्लेयर्स तैयार थे इस चीज़ के लिए। अब कोई भी टीम होती, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसे ही होनी चाहिए। इफ यू अलाउ अस, एक कॉलर है आपसे बात करना चाह रहे हैं, फैजान साहब है कराची से। फैजान भाई, क्या सवाल है, क्विकली पूछें। वालेकुम सलाम फैजान, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई से, अब तो कराची के अंदर हमने दिखा दिया माशाल्लाह, आवाम ने भी दिखा दिया, एक जज्बा है एक टीम का हमारी और आवाम का, तभी एक बाकी टीमें आएंगी या नहीं आएंगी, कुछ तवक्को रखे। बिल्कुल फैजान, तवक्को रखनी चाहिए, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जो माशाल्लाह हालात है हमारे शहर के या पूरे मुल्क में, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो गया, सेफ इन्वायरमेंट है, और कोई भी टीम यहाँ पे बिल्कुल टोर कर सकती है, कोई इश्यूज नहीं है। दुनिया की काफ़ी टीमें आ चुकी हैं, वर्ल्ड 11 के प्लेयर्स आ चुके हैं,
तो अब कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है जो हमें प्रूव करनी हो एज अ पाकिस्तानी। पब्लिक ने जो टर्न आउट था मैचेस के ऊपर, चाहे वो लाहौर में हो पीएसएल के मैचेस, या पीएसएल का फाइनल कराची में हो, या ये तीन इंटरनेशनल मैचेस हो, 1 लाख से ऊपर लोग कराची में 3 दिन मैच देख के गए, आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अवाम को भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो अब मेरा ख्याल है फ्यूचर में पीसीबी प्लानिंग कर रही है, और नजम सेठी साहब ने भी, जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले वक्तों में जो हमारी बातें चल रही हैं बोर्ड्स के साथ डिफरेंट, तो यकीनन बड़ी टीम्स और आएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह, और मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि आनी भी चाहिए। अगर हमारी मुस्बत प्लानिंग रही तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, और बड़ी टीम है और फुल स्ट्रेंथ के साथ भी आएंगी यकीनन। ठीक है, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम कश्मोर, कश्मोर उसामा साहब हैं कश्मोर से। उसामा भाई क्या सवाल है जी? बेटा क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट माशाल्लाह से वापस आ गया है, तो पाकिस्तान में जो है अभी जो 3 T20s हुए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो अहमद शहजाद और राहत अली को क्यों नहीं जो है ना चांस दिया गया? ओके ओके भैया आपका सवाल सही है। अहमद शहजाद पे तो हम ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं। राहत अली इज समवन जिसको लोग कहते हैं कि थर्ड T20 नेशनल में एटलीस्ट आप एक और प्लेयर को बिठा के उनको खिला सकते थे। शाहिन शाह अफरीदी का डेब्यू हुआ लेकिन राहत अली शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। वेल कर सकते थे बट एकदम इतनी सारी चेंजेस भी नो, दो दो करके आप प्लेयर्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं, आते हैं। राहत मेरा ख्याल है ऑलरेडी राहत को देखा हुआ है सबने, शाहीन को नहीं देखा हुआ था इसलिए उसकी स्ट्रेंथ देखना चाह रहे थे। इनफैक्ट शनवारी भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट T20 नहीं खेले किसी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ, तो उनको भी खिलाना मैं समझता हूँ ठीक था। नो मैटर व्हाट उनका चांस नहीं मिला कोई ऐसी बात नहीं, बट देर आर प्लेंटी क्रिकेट अहेड, लाइक टेस्ट क्रिकेट में वो रेगुलर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं रात। इनफैक्ट वनडे में भी यकीन रखता हूँ मैं कि जिस तरह की उन्होंने रिसेंट परफॉर्मेंस दी है तो कंटेंडर हैं, वो मौजूद हैं, फ्यूचर में चांस ज़रूर मिल सकता है। इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय और उन्होंने अपनी वर्क को प्रूव किया इस दफा, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोटा ग्लैडिएटर ने उनको चांस दिया, पूरे मैचेस खिलाए एंड ही शोड हिज वर्थ। ओह यस, देयर इज अनदर कॉलर फ्रॉम लाहौर, माजिद साहब है। माजिद भाई क्या सवाल है? सर मैं ये मोहिन भाई से ये सवाल करना चाहूंगा कि पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट की जो वापसी हुई है, आपको भी बहुत बहुत खुश है। अभी वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान आई, पाकिस्तान जी आपको भी बहुत मुबारक हो। तो मैं आप ये कामा रखने से पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसने अच्छा परफॉर्म किया पूरे PSL में, जी पिछले साल भी हमने देखा कि उसने बड़े मैचेस में परफॉर्म किया, इस साल भी उसने बड़े मैचेस में परफॉर्म किया, ठीक है ना? सवाल पूछे भैया जल्दी सवाल पूछे। टीम में क्यों नहीं ले रहे कि वो एक विकेट कीपर है, इसलिए कि सरफराज कैप्टन है वो विकेट कीपर है, वो उसको रिप्लेस करके वो नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कामरान अकमल। बिल्कुल, हमने पिछले प्रीवियस प्रोग्राम में भी कामरान अकमल के ऊपर बड़ी प्रिसाइजली बात की थी और हमने उनकी जितनी भी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये एडमिट किया था कि इज अ वेरी गुड प्लेयर, कोई इसमें दो राय नहीं है, बट जो करंट सिनेरियो है और जो फ्यूचर प्लान है सेलेक्टर्स के, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है। इंजमामुल्लाह का एक स्टेटमेंट आया था कि अभी इस सिनेरियो में जगह नहीं बनती, अगर बनती है तो एज अ बैट्समैन बन सकती है, प्रोवाइडेड के इसकी फील्डिंग कामरान की इम्प्रूव हो या अच्छी फील्डिंग करें। वेस्ट इंडीज़ में इनको चांस दिया था तो इतनी अच्छी फील्डिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। नो डाउट कामरान बहुत अच्छे बैट्समैन है एंड हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए एज अ फॉर्मर कैप्टन के वो कम्पीट कर रहे हैं अभी तक, और उनकी वजह से डोमेस्टिक में उनके होने से उनको देख के जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं क्रिकेट पाकिस्तान से जब नहीं खेलते डोमेस्टिक कम खेलते हैं, बट ही इज द वन हु कॉन्स्टेंटली वो क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, तो उम्मीद रखनी चाहिए। ही ऑल्सो इज लकी इनफ कि PSL जैसी यू नो क्रिकेट आ गई है पाकिस्तान में जो इतना हाईलाइट होते हैं प्लेयर्स। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आगे मजीद भी कॉलर्स लेंगे और मजीद बात करेंगे, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी बात करेंगे। सो स्टे विद अस ऑन बिहाइंड द विकेट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले वी हैड अ कॉलर विद अस उवेस जान साहब, लेट्स टेक हिज कॉल एंड सी व्हाट ही हैज टू आस्क फ्रॉम मोइन खान साहब। क्या सवाल है उवेस भाई आपका? जी सर मेरा सवाल ये है कि कश्मीर के बारे में जो शाहिद भाई ने ट्वीट किया था तो उसके खिलाफ जो इंडिया वाले गौतम गंभीर ने और उसके अलावा जो है ना अपना बहुत से लोगों ने इख्तलाफ किए कि अपना जो शाहिद भाई गलत है, सही है, तो मैं इसके बारे में मोइन खान से पूछना चाहता हूँ।
थैंक यू उवैस भाई आपकी कॉल का। मुइन भाई, ये बर्निंग इशू चल रहा है पिछले दो तीन दिनों से, हमने देखा है कि शाहिद भाई की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें वो सपोर्टिंग द कश्मीर कॉज। आपको लग रहा है कि सवाल इसमें मेरी तरफ से ये बनता है कि डू यू थिंक कि प्लेयर्स शुड ट्वीट सच काइंड ऑफ स्टफ, और फिर जो रिएक्शन होता है, I mean, जो प्लेयर्स हैं वो भी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, और हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है गवर्नमेंट का भी, फौज पाकिस्तान का भी इस चीज़ के ऊपर कि जहाँ इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा वहाँ हमेशा हर पाकिस्तानी खड़ा होगा और बात करेगा। बहुत अच्छी बात है शाहिद ने अगर ये स्टेटमेंट दी है, तो वी ऑल बिहाइंड हिम, एंड इफ लाइक इंडियंस आर सेइंग समथिंग एल्स आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग इट, बिकॉज अगर इंसानियत की बात करें, सही है, अभी हिंदू और मुसलमानों को साइड में करते ना, इंसानों की बात करें, और शाहिद अफरीदी का भी यही कहना है कि बिल्कुल, क्योंकि शाहिद खुद एनजीओ अपने चला रहे हैं, तो नेचुरली उनके दिल में भी दुख होगा क्योंकि वो काम इतना फला के लिए कर रहे हैं इंसानों के। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा और बड़ा राइट टाइम पे स्टेटमेंट दिया, लोगों को थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए, और दे शुड टेक इट लाइटली, इंसानों के लिए सोचना चाहिए। हम अभी तक इसी चीज में पड़े हुए हैं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन यहूदी है, यू नो सारी चीजें। मेरा ख्याल है कि मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया है कि मेरी जो एनजीओज हैं वो ये नहीं देखती कि मुसलमान है या हिंदू है, वी गो डाउन टू एवरी प्लेस और हम वहाँ सपोर्ट करते हैं लोगों को। हमारे मुल्क में बहुत अकलेते हैं, यहाँ पे रह रही हैं, उनके लिए काम करते हैं, जब भी कोई ऐसे चीज आती है सब बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो आई थिंक इस तरह के सिली स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अदर साइड आना बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई थिंक, एंड फ्रॉम अ स्पोर्ट्समैन जिनके दिल और दिमाग दोनों बड़े होते हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, आई थिंक दे शुड स्टैंड अप एंड से एंड टू द गवर्नमेंट कि बिल्कुल इंसाफ जो काम नहीं होने काम हो रहे वो नहीं होने चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, मे वी नो कौन कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल है? हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? सर राजा मंजूर बात कर रहा हूँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम मीन भाई को। वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक दिन सवाल आ रहा था जब से कि सिंध के लोगों को चांस क्यों नहीं दिया जाता पाकिस्तानी टीम में, बस ये क्लियर कर दे, थैंक यू। सिंध के प्लेयर्स को चांस नहीं दिया? अच्छा भाई, आपका जो कप्तान है वो भी सिंध से तो ऐसी बात नहीं है कि चांस नहीं दिया जाता, बात टैलेंट की होती है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या किसी भी स्पोर्ट्स में कोटाज नहीं होते भाई, जो टैलेंटेड प्लेयर होता है चाहे वो कराची के 11 प्लेयर हो, लाहौर के 11 प्लेयर हो, इस्लामाबाद के, पेशावर के, हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से से कोई भी अच्छा प्लेयर से, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज नहीं है गवर्नमेंट को, इनका जो सवाल है ना वो जाता है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को फैसिलिटी क्रिएट करें। आई थिंक अभी जो PSL हुआ उसके बाद जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट, मुराद अली शाह साहब ने जो हमारे सूबे के सीएम लड़काने में उन्होंने लड़काने में मैच भी कराया, और प्लस हैदराबाद के लिए भी उन्होंने कहा कि PSL के यहाँ मैचेस होने चाहिए, उस पर बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है नजम सेठी साहब ने कि आप स्टेडियम बना दें, हम मैच कराने के लिए तैयार हैं। आई थिंक जो अगर ग्राउंड की कहीं से फुटेज आपको मिले तो आप हैदराबाद क्रिकेट का स्टेडियम का हाल तो देखें कि क्या हुआ, और सुना है कि करंटली अभी वो जो म्यूनसिपल है उसने बंद कर दिया उसको, बिल्कुल ही वहाँ पे कोई खेल नहीं सकता इस वक्त। अरे ये ज्यादती हो रही है, तो जब तक ग्राउंड्स नहीं बनेंगे उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, वहाँ प्लेयर्स कहाँ से आएंगे, प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, वहाँ पे अकेडमीज नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी मेंटेनेंस भी नहीं होगी और प्लेयर भी नहीं निकलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है PCB के लिए भी इनफैक्ट, और स्पेशली गवर्नमेंट के लिए कि जिसके अंडरग्राउंड्स है बेसिकली। और अब मोइन भाई, जब से PSL की फ्रेंचाइजेज एक्टिव हुई हैं, हमने देखा है लाहौर बहुत सारा काम करती है, आपकी फ्रेंचाइज भी काम करती है, सो दीज प्लेयर्स इन इंटीरियर एरियाज इनको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, रीजन्स का भी काम है, रीजन्स के लोग जो है वो काम नहीं करते हैं। मसला ये है कि अगर वो काम करे जैसे फ्रेंचाइजेज काम कर रही है, आप अपने शहर को ऑन कर सकते हैं, लड़काना को, हैदराबाद को, सक्कर को, इतने बड़े बड़े हमारे शहर हैं सिंध के अंदर, क्या वहाँ पे ऐसे लोग नहीं है मौजूद कि जिनके पैसा ना हो, यू नो, कि वो सपोर्ट ना कर सके? आई थिंक हेल्दी एक्टिविटी को माशरे में सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपकी जो जनरेशन यंगर जनरेशन होती है, आई थिंक वो बेनिफिट का ब्रॉडअप अच्छा होता है उससे। एक साहब जी, मुश्ताक भाई क्या सवाल है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा मोइन भाई, हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, बट दैट टूर वॉज वेरी शॉर्ट। हमने काफ़ी एक्सपर्ट से ये क्रिटिसिज्म सुना है कि हम खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने सिक्योरिटी और अपनी चीज़ों को लेके। हमने पास में भी देखा है न्यूजीलैंड टीम को जब हमने यहाँ से भगाया था लिटरली, तो
तो वो बेसिकली टीम जाना नहीं चाह रही थी, हमने उनको भगा दिया था। इस बार भी हमने देखा कि हम टूर को बनाते ऐसा है कि हम खुद भी डरे हुए रहते हैं, टीम भी डरी हुई रहती है। डू यू थिंक फ्यूचर में ये चीजें अवॉइड होंगी और अब हमारा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया होगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जिस तरह ओनरशिप लिए इन मैचेस को कराने की, तो नेचुरली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो गेन किया होगा इन चीजों से। आई होप कि बेटर वे में इसको ऑर्गेनाइज किया जाए आगे, जो बड़ी सीरीज आएंगी पाकिस्तान, जो भी टीम राजी होती आने के लिए, और उसमें थोड़ा सा गैप भी होगा ताकि एक्लेमेटाइज भी हो जाए प्लेयर, उनको मौका मिले प्रैक्टिस का भी, और थोड़ी सी कहना चाहिए कंडीशन से भी आशना हो जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, और कोई ऐसा जवाब ना उनके पास एज ए प्रोफेशनल कि हमें टाइम नहीं मिला, यू नो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो आई थिंक इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है पीसीबी इन तमाम लाइंस पे काम कर रहा होगा, और जितना एक्सपीरियंस हो गया इस वक्त लाहौर में और कराची में ये मैचेस कराने से, तो मेरा ख्याल है कि वी आर प्रिपेयर्ड नाउ। ठीक है, टू होल्ड द बिग सीरीज। भाई हम अपना थोड़ा फोकस पाकिस्तान से थोड़ा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जो अभी सीरीज हुई रिसेंटली उस पर डालेंगे, क्योंकि काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहा है पिछले यू नो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते 15 दिनों में, कि स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर जिस तरह उन्होंने पब्लिक में आके क्राइड एंड यू नो बेग्ड के यार हमने ये गलती की है। सो 48 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को हराया है, 3-1 से वो सीरीज़ जीते हैं, लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीरीज़ रही, जिस तरह बॉल टेम्परिंग को लेके स्टीव स्मिथ और वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट बैन हुए हैं, किस तरह देखते हैं आप इस ओवरऑल सिनेरियो को? आई थिंक देखें साउथ अफ्रीका लिए इनफैक्ट उनके अपने लिए भी एक चैलेंज था, यू नो अपने कंट्रीज के अंदर, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें कि इंडिया उनको वनडे सीरीज हरा के गई, टेस्ट में भी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही थी साउथ अफ्रीका की, आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और फिर जैसे आपने बताया कि 48 साल बाद सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका, आई थिंक दे वर प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म, आई थिंक वेल इन टाइम कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस हुई हर प्लेयर की। सॉरी टू इंटरप्ट, हम अब यही पॉइंट लेंगे, एक पैकेज भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? आई थिंक कॉल अगेन ड्रॉप हो गई। जी जी, कौन सा बात करें? Alright, so the call is dropped again. अच्छा मोइन भाई, you can continue with your point. हमने देखा कि स्टीव स्मिथ हैज बीन अ वेरी गुड कैप्टन, लेकिन जो वर्बल जंग चल रही थी, हमने देखा सेकेंड मैच के बाद डीकॉक और वॉर्नर की एक वॉर शुरू हुई, फिर थर्ड टेस्ट में वो कंटिन्यू रही और थर्ड टेस्ट में ये इंसिडेंट हो गया। सो कितना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं प्लेयर्स? रेफरीज को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इस पर बहुत सख्त कोड है इस वक्त, जितनी भी फाउल लैंग्वेजेस हैं आप या जेस्चर्स है इस पर टोटली आई थिंक जो रूल कहता है उसमें बैंस हैं डिफरेंट, और अल्टीमेटली फिर देखें जब इतनी ज़्यादा बर्निंग हो गई तो अननेसेसरी एक्ट के थ्रू आपने बॉल की शेप को चेंज करने की कोशिश की और उसमें आप पकड़े गए और पूरी दुनिया में फिर बदनामी हुई। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का बहुत पुराना ये कहूँगा कि रिवाज है या वतीरा कह लें इसको, कि अपने प्लेयर ओपोनेंट जो होते हैं उन प्लेयर्स को डोमिनेट करने के लिए स्लैशिंग बहुत करते हैं, जो कि एट टाइम्स एक्सेप्टेबल होती है, बट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर इरिटेट करने लगती थी, और यही वजह है कि आईसीसी ने रूलिंग अब अप्लाई कर दी है इन चीज़ों के ऊपर। तो आई थिंक उसके ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिए, बिकॉज के गेम खराब नहीं होना, गेम की रेप्यूट खराब नहीं होनी चाहिए। सर, जो वॉर्नर का हो रहा था वर्बल वो फाइट जो हो रही थी डीकॉक जैसे प्लेयर के साथ, इज अ वेरी काम कैरेक्टर, और हमने एक फुटेज देखी थी जिसमें वो दोनों वापस ड्रेसिंग रूम में आ रहे थे, एंड द काइंड ऑफ you know war that was happening between them was you know very different to see, because Du Plessis bhi unko chhudwa rahe the, humne dekha Australia ke jo Tim Payne hai wo chhudwa rahe the, so bahut hi you know gentleman bura lagne laga, main to khela hua saath khela hua, to literally aisa hota hai ki aapko apne aap ko control mein rakhna hota hai, oh yes, because everybody like I mean hum ye nahi bol rahe ki humne kabhi nahi ki, hum bhi karte rahe, aapko at times dominate control it, but they I mean do it consistently, और इतना ज़्यादा आपको हिट करते हैं पर्सनली यू नो कि अगर आप सेट खेल रहे हैं तो आप एकदम इरिटेट हो जाएंगे, आउट हो सकते हैं आप, यू नो आप कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन ऐसा कर सकते हैं कि आपको बैल लग जाएगी, यू नो, और वो बेसिकली ये टैक्टिक्स इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं। तो हमेशा जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हमारे सीनियर्स भी ये बोलते थे कि इनको सुनना नहीं है, बिल्कुल अपनी बॉल पर कॉन्सनट्रेट करो, अपने गेम पर कॉन्सनट्रेट करो, और कोशिश यही करो कि बस सुनना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा सुनना है तो आंखें मिला के बात करनी है इनसे, आंखों के अलावा आंखों के लाइक एक्सप्रेशन से इनको डोमिनेट करना है आपने, ताकि इनके अंदर खौफ बैठे, इनके अंदर डर बैठे, और वो अवॉइड करें स्लैचिंग को, यू नो। वी आर लकी इनफ टू हियर इट फ्रॉम मुइन खान कि किस तरह हैंडल करना है, ये बहुत पते की बातें हैं, और मुइन भाई
आपसे सुन के ऐसा फीलिंग आ रही है कि हम जो है ना मैच में बैठे हैं. वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन विद मोइन खान सर. वी हैव टू गो फॉर अ लिटिल ब्रेक. वापस आते हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान. सिंह बात की थी कि पहला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 1-0 लीड कर रहे थे वो, और उसके बाद वो तीनों मैचेस हारे. जो पहला मैच जीते थे उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो मिचेल स्टार्क की रिवर्स स्विंग थी, जिसपे उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया. सो डू यू थिंक कि पहले मैच में भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कैमरे की नजर से छुप गई? आई थिंक बिल्कुल हुई होगी. ऐसा नहीं होता कि रिवर्स स्विंग, इतना बड़ा रिवर्स स्विंग शुरू हो जाए. बिल्कुल छेड़खानी हुई होगी. और एक चीज ये भी होती है कि अगर सरफेस आपका बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्लैट पिच है, उसके ऊपर घास नहीं है, तो उससे भी गेंद रफ हो जाता है एक साइड से, और फिर आपको मदद मिलती है रिवर्स स्विंग करने की. उसमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, आपका हाथ ना लगे, बॉल गीला ना हो जाए, यू नो, दूसरी साइड से भी. तो जब रफ होती है दूसरी साइड से तो हल्के से छोटे छोटे ग्रूव्स बन जाते हैं. सही है. उसमें जब एयर जाती है, जब बॉल डिलीवर करते हैं तो एयर रोकती है उसको, और जैसी एयर उसको रोकती है तो दूसरी तरफ जो शाइनी हिस्सा होता है, जो बारी होता है, उस तरफ बॉल स्विंग करना शुरू कर जाती है, यू नो. तो इस वजह से इसकी केयर भी होती है और इसको रफ किया भी जाता है. और आपने देखा हो अक्सर जो खिलाड़ी पकड़े जाते हैं कि नाखून मार रहे हैं उसके अंदर, तो नाखून से जब लेदर छिलता है तो ग्रूव्स बन जाते हैं, यू नो, एयर को रोक, एयर रोकती है उसको. तो इसी वजह से गेंद ज्यादा स्विंग होता है. देयर आर सम लीगल टेक्निकल वेज ऑफ डूइंग इट. आपने उस जमाने में क्रिकेट खेली है जब वकार और वसीम अपने पीक पे थे, और वकार को तो शायद इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है रिवर्स स्विंग का. तो जैसे आप कीपर को बोलता है कि मुझे बाउंस करके थ्रो करना, इस तरह के लीगल तरीके हैं ये? लीगल तरह, अब ये भी लीगल हो गया और ये क्लियर मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया जाता है. इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप बस केयर करनी है आपको बॉल की, एक जितनी रफ रख सकते हैं आप कोशिश करें इन लीगल वे आप उसको रफ रखें, और जो दूसरी साइड है उसको जितनी आप ज्यादा शाइन करेंगे उसको, वो उतना ही आपको फायदा होगा उस चीज का, यू नो. बट ये नहीं है सिर्फ, उसके अलावा बॉलर्स की जो जोर है, जो स्ट्रेंथ है, जब तक बैक बैंड नहीं होगी, पूरा जोर नहीं लगेगा, बॉल मूव नहीं होता, स्विंग नहीं होता, यू नो. तो उसके लिए आपको पेस भी जनरेट करनी पड़ती है, और यही वजह थी पहले टेस्ट मैच में आपने देखा कि स्टार्क ने फुल फ्लैश बड़ा जोर लगा के बॉलिंग की थी तो उनको स्विंग मिला है. और वसीम वकार भी इसी तरह करते थे, शोएब अख्तर भी इसी तरह करते थे. हमारे जितने भी रिवर्स स्विंग करने वाले बॉलर, ये जोर लगाते तब स्विंग होता है, वरना इतना ईजी नहीं है. इसीलिए कहते हैं ये पाकिस्तानी आर्ट है. पाकिस्तानियों को पता है एग्जैक्टली कि गेंद को जोर लगाएंगे तो स्विंग होगी, और यही आर्ट है हमारे बॉलर्स का जो हमेशा से रहा है. एब्सोल्युटली. वी हैव अ कॉलर विद अस. कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं जलीस बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से. वालेकुम सलाम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. मेरा मोइन भाई से ये सवाल है कि भाई बलोच और सिंधियों को पीसीबी में जगह क्यों नहीं दिया जा रहा? ओके मोइन भाई. भाई बलोच और सिंधियों में अच्छे प्लेयर होंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे. आप कोशिश करें प्लेयर्स डेवलप करें. अभी हमने इसी सिलसिले में बात की थी कि छोटे शहरों के अंदर जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड बनने चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो अकेडमीज़ में अपने आके जौहर दिखा सकें, जो उनका टैलेंट है वो वहाँ से उभर के बड़े शहरों तक और फिर बड़े शहरों से मुल्क की टीम तक आ सके. आते हैं कि गवर्नमेंट और पीसीबी दोनों का काम है. जब तक इस डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होगा प्रॉपरली, रीजन्स काम नहीं करेंगे, जो आपके इलाके के जो रीजन्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली भाई आप लोग उनको राबता करें, उनको बोलें कि आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम करें, तो ही जाके ये होगा. बट सिर्फ पीसीबी ये काम नहीं कर सकती जब तक लोकल बॉडीज़ की उनको सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलेगी और सिंसेयर सपोर्ट नहीं मिलेगी. सिंसेयरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोइन भाई आपने जिस तरह हमने, अच्छी बात ये है कि वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दीज रीजनल एरियाज और इंटीरियर के एरिया से हमें कॉल्स आ रही है, जिसका मतलब है कि वहाँ की आवाम भी क्रिकेट को पसंद करती है, कंट्रीब्यूट करना चाहती है. कंट्रीब्यूट करना चाहती है, वो चाहते हैं कि उनके भी कौन से लोग जितने भी हैं वो उसमें आगे बढ़े, हिस्सा बने, ताकि उनको भी खुशियाँ मिले, यू नो. मतलब आपने पिछले सेगमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो आपके मेजर सिटीज हैं दे हैव टू कंट्रीब्यूट, उसमें जो लोग हैं उनको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है ताकि टैलेंट आ गया है. आपको लगता है कराची जैसा शहर, जहाँ कराची किंग्स जैसी बड़ी साइड है, और वो इन जो करीब की सिटीज़ हैं उनमें जाके कुछ कैंप्स करें, उसके बाद वो कहानी इंटीरियर तक जाए, डू यू थिंक कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज की ये थोड़ी सी जिम्मेदारी है? देखिए बिल्कुल सबका विजन है, सबकी ख्वाहिश है, एज अ क्रिकेटर हर क्रिकेटर की ये ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करें, क्योंकि ये हमारा ट्रेड है, यू नो, हम इससे पहचाने जाते हैं, हमें इस गेम की वजह से पहचाना जाता है और रिस्पेक्ट मिलती है, यू नो. एब्सोल्युटली. तो ख्वाहिश यही है, कोशिश यही होती है, हर फ्रेंचाइज की भी ये ख्वाहिश है, लेकिन उसके साथ किसी ना किसी ब्रांड को इंगेज होना पड़ेगा, यू नो. हर फ्रेंचाइज के पास इतना पैसा नहीं है जो ऑलरेडी वो खर्च कर रहे हैं पीएसएल के अंदर, और वो फिर रीजन्स के अंदर भी जाके खर्च करें, यू नो. पीसीबी भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट रीजन्स को करता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली
जो हकदार है लाइक जहाँ पे जरूरत है उस तक नहीं पहुंच पाती, पर उससे पहले ही इधर उधर हो जाती है और वो सही डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होती। तो लेकिन जो मैंने बात की थी कि जो इन शहरों के बड़े लोग हैं जो समझते हैं कि स्पोर्ट्स एक वर्थ है, क्योंकि सब बड़े शहरों में या बड़े प्लेयर्स एक बात करते हैं कि भाई फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी एक्टिविटी बड़ी जरूरी है इस मुल्क के लिए, यू नो, हमारी स्पेशली नई जनरेशन के लिए कौमें पहचानी जाती हैं स्पोर्ट्स से। तो ऐसे बड़े लोगों को जिनके पास फाइनेंशियल ऐसे एसेट्स मौजूद हैं लाइक या सपोर्ट मौजूद है, उनको आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको स्पॉन्सर्स करना चाहिए, उनको ग्राउंड्स बनाने चाहिए, ब्रांड एसोसिएशन होनी चाहिए विद अ फ्रेंचाइज, यू नो, ब्रांड्स को भी माइलेज मिलेगी, एक सीएसआर भी हो जाएगा और एक एक मुआशरा अच्छा और हेल्दी डेवलप होगा। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली। मुझे आपको लगता है कि बल्कि आपको मेरे ख्याल में पता होगा पीएसएल के फर्स्ट 3 इयर्स के कुछ अग्रीमेंट्स थे फ्रेंचाइजेस के साथ, उसमें भी हमने देखा कि थर्ड ईयर में एक टीम ऐड हुई। आपको लगता है कि अगले साल हम और भी शहरों को देखेंगे? मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल के बाद, लाइक अब 2 साल के बाद जो 3 साल गुजर गए, अब अगले 2 साल तो फिर 2 टीमें ऐड होनी है और फाइनली मेरा ख्याल है 8 टीमों का ये टूर्नामेंट हुआ करेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो अगले 2 साल हैं 4th ईयर 5th ईयर उसमें 6 टीमें ही चलेंगी। बिल्कुल सही है। सो ये फ्रेंचाइजेज, आर यू डू यू थिंक दिस फ्रेंचाइजेज आर टेकिंग दिस एज कमर्शियल थिंग, या आपको लगता है कि वो वाकई? देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सब नए हैं, सारी फ्रेंचाइजेज नई हैं, इनकी जो मार्केटिंग सेल्स टीम्स हैं वो भी नई हैं, यू नो, मार्केट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है, ब्रांड्स को अपने साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत है, नेस्ली अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी ब्रांड्स को माइलेज मिलेगा तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे पैसा इसके अंदर, यू नो, तो इन तमाम चीज़ों से एट द एंड हम सर्व कर रहे होंगे और सबको बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल। मुझे, वी हैव अ कॉलर विद अस, आज के दिन की आखिरी कॉल है, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बताया दोनों की बात कर रहा हूँ बख्शापुर से। जी भाई जी। सर ये मेरा सवाल ये है मोहिन भाई से कि केविन पीटरसन और शेन वॉटसन नहीं आ रहे, क्वेटा ग्लेडिएटर को मैं सपोर्ट करता हूँ। जी जी। वो मैं मोहिन भाई से ये सवाल कर रहा था, जब वो पाकिस्तान आने को जो है आमादा नहीं है, तैयार नहीं है, तो उन्हें बार बार से क्यों टीम में उठाया जाए जो उन्हें बार बार से धोखा दे रहे हैं? गुड क्वेश्चन जवाब देते मोहिन भाई से, थैंक यू आपके सवाल का। जी मोहिन भाई, केविन पीटरसन का तो मैं काफी दफा बता चुका हूँ कि उनका तो पता था, उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हमने फिर भी रखा था बिकॉज के हम एज अ मैनेजमेंट ये समझते थे कि एक प्लेयर के ना आने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली शेन वॉटसन ने कमिट करके वो नहीं आए। आई थिंक इस वजह से नुकसान भी हुआ और वो प्लेयर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कमिट करके नहीं आ रहे उनको पीएसएल में नहीं होना चाहिए, उनको ड्राफ्ट में नहीं होना चाहिए, और तमाम फ्रेंचाइज इस चीज़ के ऊपर मुतफिक है क्योंकि हर एक को प्रॉब्लम। हम देखेंगे अगले साल ऐसी चीजें नहीं होंगी। मुझे बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए, वक्त खत्म हो गया, बातें बहुत सारी हैं, इसलिए हम कल दोबारा मिलेंगे अपने व्यूअर्स से। व्यूअर्स कीप वॉचिंग आज न्यूज, वील सी यू टुमारो ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान।